नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक नए डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो आज हम कुल्फ़ी की रेसिपी देखेंगे, बट बहुत ही डिफरेंट मेथड के साथ। सिर्फ आधा लीटर दूध से आप आधा लीटर से भी ज़्यादा कुल्फ़ी बना सकोगे, ऐसी मेथड है। और 10 से 15 मिनट तक ही आपको काम करना पड़ेगा इस कुल्फ़ी में, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। दो फ्लेवर्ड कुल्फ़ी देखेंगे हम, एक मटका मलाई और दूसरी मैंगो फ्लेवर्ड कुल्फ़ी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। तो सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इधर मैंने बफेलो मिल्क लिया है आधा लीटर, आप फुल क्रीम भी ले सकते हो, रेगुलर भी ले सकते हो। सिर्फ आपको ज़्यादा पानी वाला और पतला दूध नहीं यूज़ करना है, उससे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं कुल्फ़ी में। तो चलिए मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई में मैंने 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाल दी है, ये देखिए। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। सीधा इस कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है हमको। इस शुगर को आपको तब तक चम्मच नहीं लगाना है जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। आप कढ़ाई इसलिए लो क्योंकि वो उबलते समय ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। आप पतीला लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको इस प्रोसेस में ज़्यादा दूध उबालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका बॉटम ज़्यादा थिक होना चाहिए, पतला बॉटम वाला मत लीजिए। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारे शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, पूरा उसका कैरेमल रूप में जब वो कन्वर्ट हो जाती है तब तक हमको ये प्रोसेस करना है। तो अभी थोड़ी सी बाकी है, तब तक हम दूध के पास आते हैं। ये आधा लीटर दूध में से मैंने 1 कप दूध एक छोटे बाउल में निकाल लिया है, और अभी ये जो दूध बचा है उसको हम इस कैरेमल वाली कढ़ाई में डाल देंगे सीधा। आप देख सकते हो शक्कर का कुछ भी इसमें नामोनिशान नहीं है, सब शक्कर मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए आपको इसको ज़्यादा देर तक भी गैस पर नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने उसको हाई फ्लेम पर भी किया तो वो जल जाएगी और टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो याद रखिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से पिघलना लेना है। तो अभी जब ये शक्कर पूरी मेल्ट हो जाएगी तब इसमें सीधा आप दूध डाल दीजिए। इमीडिएटली वो शक्कर का जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना हार्ड हो गया है वो, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर है, तो जब वो थोड़ा सा हल्का गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली शक्कर आपकी दूध में पिघलती जाएगी, ये देखिए। और दूध का कलर भी चेंज होता जाएगा, ये देखिए। धीरे धीरे से आपको सिर्फ चलाते रहना है जब तक ये शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती दूध में, अच्छे से सब मिक्स नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस करना है आपको। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे। उसमें मैंने इलायची पाउडर और थोड़े से केसर डाल दिए हैं, आपको जो फ्लेवर चाहिए आप ऐड कर सकते हो। तो अभी इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम ये जो थोड़ा सा 1 कप मिल्क निकाला था हमने, उसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो। नहीं है दोनों भी चीज़ें तो आप सीधा 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये दूध उबालने को ही आने वाला है, तभी हम ये मिक्सचर उसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमको। तो इसके पहले ही मैंने एक कुल्फ़ी की वीडियो अपलोड की है, तो उसमें मैंने सारे टिप्स मतलब सब बेसिक चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देखिए और उसको फॉलो कीजिए, सब बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये देखिए सिर्फ 2 ही मिनट में उसको उबाल आना स्टार्ट हो गया। उबाल आने के बाद सिर्फ मैंने 1 मिनट रखा और बहुत ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए परफेक्ट हमारी कंसिस्टेंसी बन रही है। ये देखिए सिर्फ 1 ही उबाल हमको लाना है। 1 उबाल लाने के बाद सिर्फ 1-2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हमको बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। ये मेरा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम 2 फ्लेवर की कुल्फ़ी बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें से आधा मिक्सचर एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। अगर आपको 1 ही फ्लेवर की बनानी है तो आगे मैं प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है।
तो अभी हम फ़िलहाल के लिए आधे मिक्सर से मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे। तो ये सीधा मैंगो प्यूरे है, मैंने मिक्सी के जार में उसको अच्छे से स्मूथली ग्राइंड कर लिया है। ये 2 से 2.5 बड़े चम्मच मैंगो प्यूरे है, फ्रेश मैंगो का मैंने सारा प्यूरे लिया है। अभी ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है अब भी खा लूँ, बट नहीं, इसको हमको कुल्फ़ी बनानी है तो उसको साइड में रख देंगे। अभी दूसरी मलाई वाली कुल्फ़ी के मैं प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे जो दूध के ऊपर जो क्रीम आती है वही क्रीम है, ये 2 बड़े चम्मच मैंने ली है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास खोया है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम लो खोया लो, अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी कुल्फ़ी की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, बट खोया और क्रीम से और भी वो मलाईदार बनती है, इसलिए मैं अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिए। तो इसको अच्छे से हम स्मूथली मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब वो जो दानेदार रहते हैं क्रीम वाला खोया वाला, अच्छा सा दबा दबा के मिक्स कर लेंगे उसको। दोनों भी मिक्सचर हमारे अच्छे से स्मूथ हो चुके हैं, रेडी है। तो जो मैंगो वाला मिक्सचर है उससे मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी, और जो मलाई वाला है उसको सीधा डब्बे में डालूंगी। तो अगर आपके पास कुछ भी है, मतलब ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि कभी कभी आपके पास मोल्ड नहीं होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या करूँ, प्लास्टिक में होगा या नहीं, स्टील के बर्तन में होगा या नहीं, तो कोई बात नहीं, सब चीज़ों में अच्छे से होती है कुल्फ़ी। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से उसको कवर करना है ताकि आइस क्रिस्टल्स ना बने। तो इसको मैंने डिब्बे में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए अभी हम मैंगो वाला पार्ट इसमें डाल देंगे, आधा आधा मैं दोनों ग्लास में डाल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, और इससे जो टेस्ट आता है ना कुल्फ़ी का, बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब आपने अभी तक कभी खाया नहीं होगा, इतना वो टेस्टी कुल्फ़ी लगती है, तो ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए हमारे दोनों भी फ्लेवर्ड अभी रेडी हो चुके हैं, अभी सिर्फ फ्रीज करना बाकी है। तो मैं थोड़े से ऊपर से ये जो मेरे पास स्टिक्स थी वो मैंने लगा दी है, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स हो तो वो लगाइए, नहीं हो तो छोटे चम्मच भी लगा दीजिए, सिर्फ ऊपर से कवर कर दीजिए, बहुत ही इजी है। ऊपर से मैंने अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर कर लिया है, आप डिश लो और कुछ भी ढक्कन रख दो, बट अच्छे से कवर करना है आपको, याद रखिए। ये देखिए अगर आपके पास एक प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप सीधा प्लास्टिक कौन सा भी अच्छा सा क्लीन करके वो उस पर रख दो और ढक्कन लगा दो। तो चलिए इस पर भी मैं ये बाउल रख दूंगी, और इसको हमको 6 से 7 घंटे तक फ्रीज़र में रखना है, याद रखिए। तो ये देखिए अभी 7 से 8 घंटे मेरे हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र में रखा था। अभी ये अच्छे से सेट हो चुके हैं दोनों भी कुल्फ़ी, आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्ट कुल्फ़ी बनी है हमारी, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, मैंगो प्लस इलायची का फ्लेवर, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ये फ्लेवर बना के देखिए। और ये भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए परफेक्टली हमारी कुल्फ़ी जम गई है। तो अभी थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर के पानी में इसको थोड़ा सा डिप कर लेंगे और सीधा हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ही इजीली निकल जाता है और बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये कुल्फ़ी। सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक दूध कैसे लेना है, उसको कैसे फ्रीज करना है, दैट्स इट। अदरवाइज़ ये मेथड बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और करने में बहुत मज़ा आता है, और उससे भी ज़्यादा जब कुल्फ़ी बनकर रेडी होती है तो उसको खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए ऊपर से मैं थोड़े से बादाम, रोस्टेड बादाम छोटे छोटे टुकड़े में काट कर उसमें डाल दूँगी। तो अभी हम ये भी चेक कर लेते हैं परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो धीरे से मैं इसको काट के निकाल लूँगी। अगर आप स्टील के ग्लास में ये सेट होने के लिए रख रहे हो तो
सीधा पानी में उसको 2 मिनट के लिए डुबाओ और निकाल लो, इजीली निकल जाती है जैसे मैंने डिब्बे से निकाला वैसे ही। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी कुल्फ़ी भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, और जो ये इलायची और मैंगो फ्लेवर है ना मलाई, बहुत टेम्पटिंग है और बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और ज़रूर हमको बताइए। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, एंजॉय।